Hello everybody, myself Ashish Sharma and I am from CSE department. Now take some another example. देखिए अभी तक हमने फॉर्म जो बनाए, मैं कुछ भी बना के चलता हूँ. मैंने बॉडी ली, यहाँ पर हमने नेम ले लिया. इसको हम ऐसा करते हैं, अपना फ्री टैग में यूज़ कर लेते हैं. नेम लिया, इनपुट टाइप आपने यहाँ पर टेक्स्ट ले लिया और साइज आपने 20 ले लिया. मैं थोड़ा सा डाटा ऐसा क्रिएट कर देता हूँ, 2, 3, 4, 5, 6. फादर्स नेम ले लिया हमने, मदर्स नेम ले लिया, एड्रेस लिया, फ़ोन नंबर ले लिया, छोड़ दो बाकी देखो. यहाँ पे आप आए, जो आपने यहाँ पर कहाँ गया साइज लिया. कंट्रोल एस दिखा देता हूँ एक बार आपको, ये मेरा बन गया. थोड़ा सा आपको गैप देना है तो हमने यहाँ पर गैप प्रोवाइड कर दिया. अब इस जगह के ऊपर आपने क्या करना है, एक बटन बनाना है. इनपुट टाइप इज इक्वल टू आपने बटन बनाया, बटन के ऊपर लिख दिया रीसेट. यहाँ पे लिखा ऑन क्लिक. जैसे मैं क्लिक करूँ R1 नाम का एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए. अब आपका R1 जो फंक्शन है वो क्या चलेगा, हमने यहाँ पर बॉडी बंद करी है, यहाँ पर आपने स्क्रिप्टिंग यूज़ करी, आपने फंक्शन ले लिया है R1 का. एक थोड़ी सी दिक्कत होगी, कभी करते हैं, अभी बताऊंगा दिक्कत है क्या. देखिए हमने इस फॉर्म की आईडी तो कहीं पे क्रिएट की नहीं, तो यहाँ पर एक काम करते हैं, एक फॉर्म ले लेते हैं जिसकी आईडी इज इक्वल टू आपने Y1 ले ली. यहाँ पर आकर आपने फॉर्म को बंद किया. यहाँ पे हम आए तो हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी. मेरी आईडी क्या थी, Y1 थी. हमने यहाँ पर Y1 ले लिया, ठीक है. और क्या किया इसको हमने, रीसेट कर दिया. स्क्रिप्ट को बंद किया, कंट्रोल एस और F5. यहाँ पर आकर आपने कुछ भी लिख दिया, रीसेट पे क्लिक करते ही जो इन्फॉर्मेशन आपने डाली थी सारी की सारी आपकी इरेज हो जाएगी. मैं रिपीट करता हूँ, चाहे कुछ भी लिखो और कितना भी लिखो, ठीक है जी. आई थिंक यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट. ये है अपने फॉर्म को एम्प्टी करने का, रीसेट करने का मेथड. आई थिंक सो यू कैन अंडरस्टैंड. सो कीप ट्राइंग ऑन इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय बाय.